हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर पलटवार किया है। हमीरपुर जिले में होली महोत्सव में शिरकत करने आए सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताते हुए सरकार बनाने का मौका दिया है, हम 5 साल अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा बेवजह के मुद्दों पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है, उसके ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। अगर भाजपा स्कूल बंद करने जैसे मुद्दों पर भी राजनीति करेगी तो इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो प्रदेश का भला नहीं चाहती। जो हमने किया है वो भाजपा सरकार को भी करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिन डिनोटिफाई किए गए 200 संस्थानों पर राजनीति करके जनता से सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी हालत ऐसी थी कि उनमें से बहुत से शिक्षण संस्थान में या तो कोई स्टूडेंट्स नहीं थे या फिर कहीं पर एक या दो बच्चे थे, केवल शिक्षक ही वहां तैनात थे। कांग्रेस क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दे रही है ताकि प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। ऐसे में इस तरह के संस्थानों को बंद कर देना चाहिए और इन पर पैसा खर्च हो रहा था लेकिन आय नहीं हो रही थी। और आपको बता दें उन एक या दो बच्चों को दूसरे संस्थानों में दाखिल किया जा सकता है और स्टाफ को जरूरतमंद संस्थानों में शिफ्ट किया जा सकता है।